सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा जो मेरी गाड़ी है हीरो पैशन प्रो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोटो में, इसका मैंने लगभग 3 साल हो चुके हैं मैं इसको लिए हुए, और इसमें मुझे क्या खामियां दिखी और क्या इसकी अच्छाइयां हैं, सारी कुछ जानकारी, और इसका क्या एवरेज है, सारी कुछ जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इस गाड़ी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और किन लोगों को लेना चाहिए किन को नहीं लेना चाहिए, और क्या इसका लुक है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने से कुछ इस तरह का इस गाड़ी का लुक आता है। सामने में वाइजर है जिसके नीचे लाइट है, ये मडगार्ड है दिया हुआ है, इस तरह पर आते हैं। तो देखिए, फ्यूल टैंक और हीरो का ये लोगो दिया हुआ है, नीचे i3s का लोगो दिया है। मेरी गाड़ी i3s है, i3s की यहाँ पे बटन दी हुई है, आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर की लिखा हुआ है इस पे i3s। नहीं पता अगर आपको तो मैंने एक वीडियो डाल भी रखी है, आप उसको वीडियो को जाके देख सकते हैं। बाकी पैशन प्रो जो लिखा हुआ है फ्यूल टैंक पे, बहुत ही बिंदास लगता है, बहुत ही मस्कुलर अच्छा एकदम डिजाइन देता है इस गाड़ी को। तो बाकी और पीछे में की आप लुक देख लीजिए, इसका लुक तो काफी बिंदास है पुरानी वाली पैशन से। ये वाली पैशन काफी बढ़िया लगती है, पीछे से भी आप देख सकते हैं, ये टेल लैम्प की बहुत ही बिंदास डिजाइन दी हुई, एकदम शार्पन टाइप, तो बहुत ही अच्छी लगती है गाड़ी पीछे से भी। और राइट साइड में आप देख सकते हैं, तो राइट साइड में भी बहुत ही बढ़िया है, i3s का लोगो है, फिर हीरो का लोगो, उसके बाद फ्यूल टैंक पर पैशन प्रो लिखा हुआ है। तो अब मैं चलता हूँ आपको लेके मीटर की तरफ। तो मीटर में आप देख सकते हैं, मीटर आता है इसका डिजिटल, और बाकी स्पीडोमीटर आता है इसका ये एनालॉग वाला। बाकी स्टैंड की लाइट जलती है, आप देख सकते हैं स्टैंड मेरा अभी खुला हुआ है, ये देख रहे हैं पा, तो मेरी स्टैंड की ये लाइट जल रही है। बाकी न्यूट्रल है गाड़ी, तो न्यूट्रल का एन की लाइट आपको चालू दिख रही है। तो इस तरह का कुछ इसका वाइजर और स्पीडोमीटर का डिज़ाइन है, आप देख पा रहे हैं, और मैं आपको इस गाड़ी का एवरेज भी दिखाऊंगा। तो मीटर आप देख पा रहे हैं, ये मीटर है, इस पर क्या रीडिंग है अभी आप देख सकते हैं नोट करके। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मेरी इस गाड़ी का मैं आपको एवरेज दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मीटर आप देख पा रहे हैं, इसमें पेट्रोल नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ इस गाड़ी में पेट्रोल डलाने, और यह गाड़ी कितने पैसे में कितनी किलोमीटर चलती है मैं आपको बताऊँगा, और पेट्रोल कितने का डलवाऊँगा उसका बिल भी बताऊँगा, और कितने किलोमीटर टोटल चली वह भी बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, हमने डला लिया अभी पेट्रोल, और 200 मीटर चल के आगे मैं पेट्रोल से गाड़ी को ले आया हूँ, क्योंकि पेट्रोल पंप पे मोबाइल से वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी गाड़ी में पेट्रोल दिखा रहा है कि हाँ इसमें पेट्रोल डल चुका है, और मेरे पास बिल भी है जिसमें मैंने 500 रुपये का इसमें पेट्रोल डलाया हुआ है, और इसमें लगभग 5.5 लीटर कुछ पेट्रोल आया हुआ है। तो दोस्तों, मैं इस 500 रुपये के पेट्रोल में आपको चला के दिखाऊंगा कि कितनी मेरी गाड़ी चलती है टोटल। अभी देखिए आप, 48.4 कुछ था, तो अभी 6 हो गया, क्योंकि 200 मीटर मैं आगे लेके आ चुका हूँ अपनी गाड़ी को। अभी मैं सेट कर देता हूँ इसको जीरो पर। सेट करने के बाद ओवरऑल मेरी गाड़ी इतने रुपए के पेट्रोल में कितनी चलती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बनी रही मेरी इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं हूँ काम पर, और मैंने इस गाड़ी को चला लिया है काफ़ी, और जो मैंने इसमें 500 रुपये का पेट्रोल डलाया था वो अभी आ चुका है ख़त्म होने पर, क्योंकि जब मैंने पेट्रोल डलाया था तब यह गाड़ी मेरी रिजर्व में लग गई थी, और अभी वापस इसमें जो पेट्रोल डलाया था वो ख़त्म होके वापस यह रिजर्व में लगने वाली है। तो अभी आप मीटर पर देख सकते हैं, मेरी गाड़ी चली है 500 रुपये में 373 किलोमीटर, और थोड़ा बहुत और चल सकती है 2-5 किलोमीटर। तो ओवरऑल हम मान लें कि 380 किलोमीटर यह चलती है 500 रुपये के पेट्रोल में। पॉइंट अभी देख पा रहे हैं एक ही बचा है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेरी गाड़ी अब रिजर्व में लगने वाली है। तो 380 किलोमीटर यह गाड़ी मेरी चली 500 रुपये में, जो कि मेरी हीरो पैशन i3s न्यू टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं क्या इसका एवरेज होगा। कोई गाड़ी अगर 500 रुपये के पेट्रोल में 380 किलोमीटर चलती है, तो सीधी सी बात यह है कि यह 1.5 रुपये में पर किलोमीटर चलती है, मतलब 1.5 रुपये में 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है। और हम ऐसे सोचें कि अगर हम 100 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं तो करीब करीब यह 75 किलोमीटर चलती है, और मैं कैलकुलेट करके भी आपको बता देता हूं कि यह 100 रुपये में कितने किलोमीटर चलेगी।
तो अभी मैं आ गया हूँ कैलकुलेटर पर, और अब हम इसका निकालेंगे कि 100 रुपये में यह गाड़ी कितनी चलती है। सपोज मेरी गाड़ी 380 किलोमीटर चली है, जैसा कि मैंने आपको मीटर में बताया, और मैंने डलाया था इसमें 500 रुपये का पेट्रोल, तो मैं 380 को भाग कर दूंगा 5 में, 100 × 5 मतलब 500, तो 5 में भागित कर दूंगा, तो 100 रुपये में मुझे मिलता है कि यह गाड़ी 76 किलोमीटर चलती है, और 90 या 87 या 89 कुछ इस पर लीटर अभी पेट्रोल चल रहा है, आपको भी पता है 90 रुपये करीब लीटर पेट्रोल चल रहा है, तो आप लगा सकते हैं ये कितने का एवरेज देगी। करीब करीब ये 60 या 65 का एवरेज दे रही है मेरी गाड़ी इस हिसाब से, 100 रुपये में 76 किलोमीटर चलने के बाद, तो काफ़ी बढ़िया है इसका एवरेज। और मैं सजेस्ट करूँगा जो एवरेज पसंद करते हैं, मतलब जिनको एवरेज गाड़ी चाहिए, वो पैशन प्रो ही लें। और चलिए फाइनली अब मैं इसकी आपको खामियां दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या मुझे जो चीज़ गलत लगी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे इसकी सीट अच्छी नहीं लगती, क्योंकि देखिए सीट में गड्ढा सा आपको दिख रहा है, मैं दूर से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। बाकी जो डीलक्स गाड़ी आती है हीरो की, उसमें यह गड्ढा नहीं होता है, एकदम फ्लैट रहती है, तो उसमें 3 लोग जो बैठते हैं या 2 लोग जो बैठते हैं बराबर बैठे रहते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ का जो आदमी बैठा रहता है वो तो सही बैठा रहता है, लेकिन जो पीछे जो आदमी बैठा रहता है, अगर गड्ढा आया, ब्रेकर आया, अपन ब्रेक लगाते हैं, तो वो आदमी आगे से मतलब पीछे से आगे जाने लगता है, तो वो क्या है लोगों को उसमें दिक्कत होती है बैठने में, बस एक ये है। और दूसरा ये है कि कुछ डिज़ाइन जो है ये बाहर है, मतलब इस बॉडी को बाहर निकाल दिया गया है, तो क्या है मेरा यहाँ पे बैग लगा हुआ था पहले, कैरी बैग, तो उसमें आप देख सकते हैं कि पूरी ये बॉडी छिल गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देख पा रहे हैं, बॉडी छिल गई है, तो ये बॉडी बाहर निकाल दी है उन्होंने, तो वो बैग लटके रहने से बॉडी छिल गई है। बाहर बॉडी होने से क्या है कि स्क्रैच भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये बॉडी बाहर नहीं होती तो ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया होती। बाकी इस तरफ भी देखिए, ये बॉडी बाहर निकली हुई है, तो ये इसको छिलने का डर है, अगर मैं इस तरफ कुछ लटकाना चाहूँ तो लटका नहीं सकता, क्योंकि वो भी ये बॉडी भी छिल जाएगी। इस तरफ की देखिए फिनिश है एकदम, इसमें कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, इस तरफ बैग था तो इसलिए छिल गई है, बाकी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये बैग की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता तो सभी कुछ छिलता, बाकी ऐसा कोई समस्या हुई नहीं है। तो बस ये 2 खामियां मुझे लगी हैं, बाकी और कोई खामियां नहीं लगी हैं, आप इसको बेझिझक ले सकते हैं। ये छोटी मोटी खामियां तो सभी चीज़ में होती हैं, आपको भी पता है, अब इन बॉडी को देख के हम गाड़ी को ले नहीं सकते ना, तो बॉडी तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी आप इस गाड़ी को बेझिझक ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हीरो की बिल्ट क्वालिटी के लिए, बिल्ड क्वालिटी में कोई शक नहीं है, हीरो बहुत बढ़िया गाड़ी बनाता है, कैसे भी आप रफ एंड टफ रोड पे कैसे भी चलाएं, गांव में भी चला सकते हैं इसको, शहर में भी चला सकते हैं, फिलहाल मैं दोनों में चलाता हूँ, मेरा गांव, मैं जहाँ रहता हूँ वो गांव है, और जहाँ मैं काम करता हूँ वो शहर है, यानी कि मैं दोनों जगह चलाता हूँ, दोनों जगह बढ़िया एवरेज है, बढ़िया मुझे इसकी परफॉर्मेंस लगी, तो इस गाड़ी को आप ले सकते हैं।